माँ जानकी जी के जब राम जी का अवध में जब ब्याह होकर के आया, जनकपुरषि आए तो माता कई कई इस भवन में रहे, तो कनक भवन के माता जानकी जी की उनकी मुँह दिखाई में इस खोइछे में दान दे दिए। कनक भवन का दर्शन हम बाहर से ही आपको करा पा रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जैसे महल जो होता था उसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ। कैसी विडम्बना है कि माता केकई ही वचनों के अनुसार 14 वर्ष का वनवास भी लेती हैं और एक स्वरूप में माता केकई प्रेम भी सीता माँ को करती हैं कि उनको मुंह दिखाई में ये सोने का महल यहाँ पर उन्होंने दिया है। इस कॉर्नर को देखिए, ये कितना विशाल भवन है और इसमें भी सेम वही दर्शन था जो वहाँ पर है, लेकिन ये पिछले वाला हिस्सा है जहाँ से हम आए हैं कि किस तरीके से ये प्रभु श्री राम और माता जानकी का स्पेशल भवन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। जी हाँ, इस समय हम प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या में स्थित हैं और अयोध्या में आज मैं आपको एक दिव्य दर्शन कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है कनक भवन। जी हाँ, वो कनक भवन जो माता कैकेयी ने विवाह के उपरांत माता सीता को उपहार के रूप में ये सोने का भवन दिया। कहते हैं कि इस भवन में प्रभु श्री राम सीता के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था और उसका मैं दर्शन कराऊँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे अयोध्या के इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि मैं बिल्कुल कनक भवन अयोध्या जी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूं और ये बाज़ार आप देख सकते हैं आगे की तरफ कि किस तरीके से यहां पर ये बाज़ार लगे हुए हैं और इन्हीं दुकानों और बाज़ारों से होते हुए ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी और दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और वहीं से हम आए हैं इस कनक भवन का दर्शन करने के लिए। इसके इतिहास के बारे में, इसकी लीला के बारे में आप देखेंगे ये कितना सुंदर अनुभव है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता मैया को ये सोने का जो पूरा महल है, ये कनक भवन है, ये माता कैकेयी ने उपहार के रूप में यहाँ पर दिया है। और इसकी और लीला के बारे में हम जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर लीला को यहाँ पर इंगित किया गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये प्राचीन एवं आधुनिक कनक भवन का जो पूरा इतिहास है वो उसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और मान्यताओं के अनुसार ये प्रभु श्री राम और माता सीता का भवन हुआ करता था और यहाँ पर वो रहते थे। कहते थे इनके अलावा इस भवन में और किसी का प्रवेश नहीं था। कनक भवन जो कि अयोध्या में बिल्कुल राम जन्मभूमि और दशरथ महल के पास में यहाँ पड़ता है और ये मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं इस समय कनक भवन का। ये कनक भवन, आइए चलते हैं और अंदर आपको दर्शन कराते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये आनंद है। प्रभु श्री राम की लीलाओं के अंतर्गत आज हम अयोध्या की भूमि पर जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं वो दर्शन करा रहे हैं। ये सामने जो भव्य आप मंदिर इस समय देख पा रहे हैं, ये भव्य मंदिर प्रभु श्री राम की त्रेता युग की उस लीला को यहाँ पर जीवंत बनाए हुए है। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये भवन है, विशाल भवन। कनक भवन का दर्शन हम बाहर से ही आपको करा पा रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जैसे महल जो होता था उसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ। कहते हैं कि स्पेशल दशरथ जी और माता कैकेयी ने सीता माँ को ये विवाह के उपरांत जैसे कोई भी उपहार देते हैं उसके रूप में ये कनक भवन दिया है। कनक यानी स्वर्ण और सोने का ये कभी भवन हुआ करता था प्रभु श्री राम का। इसको आप दिखाइए, इसके एक एक कॉर्नर को बड़े आनंद के साथ दर्शन कीजिए श्री धाम अयोध्या के इस कनक भवन का, जहाँ पर कभी श्री राम प्रभु माता जानकी के साथ यहाँ पर रहा करते थे। ये हमारे और आपके लिए बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से और ब्रज दर्पण की ब्रज यात्रा यानी कि राम यात्रा के साथ में हम ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन कर पा रहे हैं। ये जितने भी पिलर आप देख रहे हैं और ये जो नक्काश, ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप कनक भवन को देख पा रहे हैं। यहाँ पर कभी त्रेता युग में ये स्वर्ण का हुआ करता था। आज देखते हैं अंदर किस तरह का आनंद है और हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आइए। अब हम कनक भवन के मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे इन सीढ़ियों के द्वारा और ये जो सीढ़ियाँ हैं यहीं से भक्त लोग जो जाते हैं वो कनक भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और हम आपको अब इस भवन के अंदर
जो एंट्री गेट है वहाँ से आपको अंदर लेके चलेंगे। और ये जो आनंद आप देख रहे हैं ये अद्भुत है। आइए, ये द्वार को आप देखिए। आज हम माता जानकी और प्रभु श्री राम के इस कनक भवन में अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने से पहले जो हमारी जो भावनाएं, ऐसा लगता है मानो जैसे प्रभु श्री राम की पूरी कृपा हम पर हो और इस तरह के कनक भवन का हम मुख्य गेट पर आपको दर्शन करा रहे हैं। आप बड़े भाव के साथ में इसका दर्शन कीजिए और हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपको एक ही चीज़ का दर्शन आपको कराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये थोड़ा हमको यहाँ पर लाइट प्लस करनी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर का दर्शन हम और आप इस समय कर पा रहे हैं। मेरे इधर साइड में भी आप देखेंगे, ये देखिए इस महल को, निहारो इस महल को प्रभु श्री राम के, क्योंकि बड़े भाग्य से हमको आज ये अवसर मिला कि कैसे अयोध्या में ये अलौकिक जो मंदिर है ये हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे विशाल भवन हुआ करते हैं, पहला गेट, दूसरा गेट, और इसके बाद हम फिर एक प्रांगण में आए हैं। एक प्रांगण को छोड़ के ये दूसरा प्रांगण है और ये पूरा दर्शन आप इस समय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं गेट, ये यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये ऐसा लगता है मानो यहाँ पर प्रभु श्री राम का पूरा साम्राज्य हो और जो ठाट वाट है वो अपने आप में देखने को लगता है। मेरे इधर वाले छोर पर आप थोड़ा ध्यान से दिखाइए कि किस तरीके से ये प्रभु श्री राम और माता जानकी का स्पेशल भवन, इसे हम कह सकते हैं ये स्पेशल भवन है, और इस स्पेशल भवन में आप एक एक चीज़ का दर्शन कीजिए। अब आप तैयार हो जाइए कनक भवन का दर्शन करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये पीतल के यहाँ पर ये जो शिखर पे जो लगे होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और इससे थोड़ा आगे बढ़ते धीरे 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 आप देखेंगे हर बाउंड्री पे और हर चीज़ पे नक्काशी यहाँ पर हुई है, डिजाइन है, और ये प्रतीक है प्रभु श्री राम के उस लीला का। यहाँ पे माता केकई, बड़ा ही आनंद का विषय है कि माता केकई आज माता सीता को विवाह के उपरांत उपहार में ये कनक भवन दिया है। यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता जानकी के अलावा इस भवन में कोई नहीं हुआ करता था और ये स्वर्ण का हुआ करता था, लेकिन आज हम इसको जो दर्शन कर पा रहे हैं, क्या अद्भुत अलौकिक ये भवन जो हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। भवन के एक कॉर्नर पर एक कुआ है, आइए हम इसको भी आपको साथ के साथ दर्शन करा दें। और कुआ का जो स्वरूप है ये अपने आप में अद्भुत है। जितना प्राचीन और सुंदर यहाँ का जो भवन है उतना ही प्राचीन ये यहाँ पर ये कुआ यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जल खींचने का जो होता ना, इसमें जैसे रस्सी लगा के जो जल खींचते हैं, और ये इसको बंद कर दिया गया है इस समय क्योंकि भीड़ बहुत है अयोध्या में। और मेरे बगल के इस बाउंड्री को देखिए, और यकीन मानिए जब इसके अंदर हम आते हैं और प्रभु श्री राम की उन लीलाओं को याद करते हैं तो हमको कभी कभी महसूस होता है कि प्रभु श्री राम का इन भवनों में ही दर्शन हो जाए। ये अब आप सामने की तरफ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 द्वार यानी 7 गेट भवन के ऊपर की तरफ बने हुए हैं, और इन भवनों के आगे का जो डिजाइन आप देखेंगे, जो इनके जो छज्जे हैं वहाँ पर वाइट कलर का ये डिजाइन बना हुआ है। और ये मंदिर प्रांगण की छत का ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हम आपको दिखाएंगे। ऊपर दो ये आप देखेंगे शिखर बने हुए हैं, दोनों शिखर के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर सिंबल के तौर पर ये बना हुआ है मंदिर। और इधर साइड में सेम जो इधर दर्शन था वही दर्शन इधर वाले छोर पर है, और आगे की तरफ आप दिखाऊं मैं आपको। और इधर आगे आप देखेंगे इधर वाले कॉर्नर को जिसमें कि हर चीज़ पे अपनी एक कलाकारी है। मैं एक 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 चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जितने भी द्वार हैं, द्वार के ऊपर जैसे तोरण टाइप में होता है ना, गोल्डन कलर का ये डिजाइन बना हुआ है। जैसे इस घंटाघर के ऊपर आप देखेंगे ये गोल्डन कलर का जो यहाँ पर ये जो बना हुआ है हर द्वार के ऊपर है, ये देखिए वहाँ भी बना हुआ है, बगल में भी गोल्डन कलर के इस तरीके से ये यहाँ पर भाई सोने का कनक यानी सोने का स्वर्ण का महल हुआ करता था, उसका दर्शन हम कर रहे हैं। इस कॉर्नर को देखिए, ये कितना विशाल भवन है, और इसमें भी सेम वही दर्शन था जो वहाँ पर है, लेकिन ये पिछले वाला हिस्सा है जहाँ से हम आए हैं। और क्या खूबसूरती है इस कनक भवन की, और आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, भक्त लोगों से मेरे दर्शकों से निवेदन है कि जो हमारी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं
वो हमको कमेंट के रूप में बताएं कि आपको ये भवन कैसा लगा। इंतजार है हमें आपके एक लाइक का। जी हाँ, वृंदावन से बहुत दूर हजारों किलोमीटर दूर आए हैं आपके लिए प्रभु श्री राम की यात्रा कराने के लिए, जिसमें ये कनक भवन जो आप देख पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। यहाँ पर चरण चिन्ह है और ये चरण चिन्ह का दर्शन कर सकते हैं आप, और उन्हीं से बातचीत हम जो करेंगे बाबा से। बाबा सियाराम, बाबा वृंदावन से पधारे हम और थोड़ी महिमा आपके मुख से जानते हैं हम इस कनक भवन की। ये कैसी लीला है यहाँ पर, किस तरीके का दर्शन है ये आप बताइए। जी यहाँ तो परंपरा है जी। कनक भवन की क्या महिमा है? कनक भवन की महिमा क्या है, जो माता सीता जी आए थे तब केकई रानी इसको मुख दिखाने के लिए दिए थे भगवान माता सीता को, इसीलिए कनक भवन तो राजा के थे कनक भवन, इसीलिए नाम पड़ा कनक भवन। कैसी विडम्बना है कि माता केके ही बचनों के अनुसार 14 वर्ष का वनवास भी लेती हैं और एक स्वरूप में माता केके प्रेम भी सीता माँ को करती हैं कि उनको मुंह दिखाई में जी, जी, सोने का महल यहाँ पर उन्होंने दिया जी, है। जी, ये यहाँ की लीला है जी, तो बहुत क्या नाम है बाबा का? नाम हालगुनी दास। अच्छा, आप यहीं पे ये चरण चिन्ह माता जी के चरण चिन्ह, सीता के चरण चिन्ह जी जी, माँ जानकी के चरण चिन्ह है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा हमारे जो हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं, ये माता जानकी के चरण चिन्ह हैं, जो हम प्रभु श्री राम का चरण चिन्ह इनको समझ रहे थे, ये माता सीता के चरण चिन्ह हैं यहाँ पर। और होना हो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अपना विशेष जो भवन होता है उस विशेषता के तौर पे ये कनक भवन है जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर प्रांगण के बीचों बीच। आइए मंदिर के अगले हिस्से में हम प्रवेश करें, जहाँ पर कि प्रभु माता सीता के साथ में यहाँ पर हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। बाबा हमारे साथ में हैं जो कि यहाँ के अवधवासी हैं, और बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा क्या बता रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ ये बहुत बहुत पुरानी प्रसिद्ध माँ जानकी जी के, जब राम जी का अवध में जब ब्याह होकर के आया, जनकपुर से आए तो माता कई इस भवन में, इस भवन में माता वो पहले थे सोने, कनक मतलब सोना होता, तो कनक भवन के माता जानकी जी की उनकी मुंह दिखाई में इस खोइछे में दान दे दिए मुंह दिखाई में दे दिए। जो कभी केकी माँ का स्पेशल हुआ करता जी, था, उन्होंने राम जी बन गए, माता जी से राम जी से विवाद भी हुआ, राम जी बन भी गए, भरत जी का राजगद्दी मिला 14 साल के लिए, है कि नहीं? तो ये सारी लीला यहाँ सारी लीला हुई थी। और जब माँ जानकी जी के खोइछा में दान दे दिया तो इस पर सोने के रंग महल था, उसमें सोने का था, तो उसी नक्शा से टीकमगढ़ के रानी इसको बनाया था। अच्छा, बाद में इसको उसी नक्शा से कनक भवन का टाइप से उसी तरह टीकमगढ़ के रानी इसको बनाया था। बहुत सुंदर हमने बताया बाबा ने आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और मंदिर के पिछले हिस्से में देखिए आप ये चित्रकारी और ये दर्शन, और ये एक बाबा का दर्शन मैं आपको करा दूँ। ये देखिए आप, ये कनक भवन में परकम्मा बाबा हैं, ये परकम्मा बाबा हैं, और परकम्मा बाबा हैं ये। हाँ, ये परकम्मा करते रहे, पंचकोशी का परकम्मा, एकादशी तिथि होती है तो वो हरिवस्त्र कहते हैं उसको, हरि का दिन है, 15 दिन में एक दिन व्रत वैष्णव साधु करता है, महात्मा संत भक्त, उसी व्रत में ये एकादशी का परिक्रमा पंचकोशी सरजू किनारे से और रामघाट से उठा करके पूरा, और आपके राम जी की समाधि स्थली है गुप्तार घाट, जैसे रामलला का जन्मभूमि, और बीच में राजघाट है, उसके लास्ट में जो है आपका गुप्तार घाट है। यहाँ से प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, श्री गौरी शंकर जी के वे प्रश्न उत्तर में ये कथा चल रहा है सत्र, तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी उसको प्रश्न करते हैं, वो उत्तर करते देते हैं, उत्तर देते हैं भोले बाबा शंकर जी, तो राम कथा तो ये परिक्रमा की परिक्रमा बाबा हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में बैठे हुए हैं। रामचंद्र। अरे वाह, ये अलौकिक भूमि है, यहाँ पर देवता ही नहीं संतों का जो आनंद है वो भी यहाँ पर अलौकिक है, और किस किस भाव से लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं ये देखिए कुछ चित्रपट में यहाँ पर
कैसे प्रभु श्री राम माता जानकी और यहाँ पर एक सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। मंदिर के इधर वाले हिस्से में आप देखेंगे और ये चारों तरफ से एक तरह की लीला। आइए हम आपको दर्शन करा दें और ये दर्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आइए, जय हो। ये हमारे कनक बिहारी लाल के दर्शन है यहाँ पे। बांके बिहारी लाल के वृंदावन में हम आप दर्शन करते हैं। यहाँ कनक बिहारी लाल और माता सीता के साथ में विराजमान हैं और ये अद्भुत आनंद आप इस समय कनक भवन अयोध्या जी से ले रहे हैं। जय हो। और मंदिर के इधर वाले हिस्से में हम और आप जो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो द्वार बने हुए हैं ये अपने आप में अलौकिक दर्शन यहाँ पर मिल रहा है। बाहर की तरफ हम निकलेंगे मंदिर के एग्जिट की तरफ, उन्हें उसी प्रांगण में जहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी, इसी प्रांगण में हम यहाँ से निकले हैं। और ये देखिए इधर साइड से, ये देखिए किस तरह की यहाँ सीढ़ियाँ हैं भवन में जाने की। ये प्राचीन सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए। मन को बहुत आनंद मिला इस तरह का दर्शन करने के साथ कि किस तरीके से ये भव्य कनक भवन आज श्रीधाम अयोध्या में स्थित है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के पास में। और मैं इस समय कनक भवन के मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ और एक बड़ी ही प्यारी लीला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कैकेयी ने माता कैकेयी ने माता सीता को ये मुँह दिखाई में जब ये भवन कनक भवन दिया था तो उस समय यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन हनुमान जी को ये बड़ा आश्चर्य लगा तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से बोला कि मैं तो यहाँ पर ज़रूर रहूँगा क्योंकि मैं प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये हमारे दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं और कहते हैं कि हनुमान जी के अलावा उस समय इस कनक भवन में किसी की भी एंट्री नहीं थी, लेकिन हनुमान जी हमारे यहाँ पर विराजमान थे जो कि प्रभु श्री राम के आदेश पर ही इनको यहाँ पर स्थान मिला था इस भवन में, जो कि आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल माता सीता के चरण चिन्ह के कॉर्नर पर ही यहाँ पर ये है। तो आज हमने और आपने दर्शन किए श्रीधाम अयोध्या में स्थित कनक भवन का। और ये कनक भवन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।